देख 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 बिल्कुल ही आगे लगा दी, बिल्कुल ही आगे लगा दी। भाई क्यों रुक जाऊं, देख स्टाइल देखो इनका चलाने का। अब यहाँ आदमी डरे ना डरे, जीप भले खुद चला देना, 500 रुपया देना। मेरे पास जीप से बड़ी गाड़ी है, मैं क्या करूंगा बताओ। जीप का डेजर्ट में ये तो गाड़ी जाएगी नहीं भाई, तो किसी के साथ घूमेंगे, पैसा देंगे, कोई बात नहीं भैया। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपसे हाथ जोड़ी की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। दिमाग से स्लिप हो गया एकदम से, और डीएल द्वारा बनता भी नहीं यार। भाई शिट यार, ओ भाई ये क्या है भाई साहब, दो इनका क्रैश। देखो रोड के बीचम बीच आ गए, अरे भैया मर। जैसे ये गैंग सी होती है, ये पूरी आ गई यार, मेरे आगे खड़े हो गए। भाई फाइनली देखो बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर पे। निकल गया हूँ भाई इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर से। शिट यार भाई, जिसका डर था वही हुआ। हेलो भाई, मैं अरुण कुमार। जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने देखा, टीबीएमएस की बत्ती जल गई 170 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। भाई रेगिस्तान में जहाँ पे कहते हैं कि भाई यहाँ पे पापड़ डाल दोगे तो वो ही भुन जाएगा, और इतनी गर्मी में अगर मैं दौड़ाऊंगा तो भाई देखो रिस्की तो होता ही है। तो पहले मैं अपने टायर चेक कर लेता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने देखा था तनोट मंदिर गया था, फिर मैं इंडो पाकिस्तान बॉर्डर है भी मेरे पीछे, यहीं पे मैं आ गया था। भाई ऐसा इलाका है यहाँ पे भाई, दूर दूर तक कोई नहीं दिखता। और भाई कहते हैं कि रेगिस्तान में बारिश नहीं होती, यहाँ देख लो आज मैंने बारिश करवा दी है भाई। मेरे यहाँ शुभ चरण पड़े हैं और यहाँ रेगिस्तान में बरसने लग गया है। या जस्ट 1 किलोमीटर बाद मेरा पाकिस्तान है, लास्ट वीडियो पर देख लेना जिसने नहीं देखी। टायर्स तो सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है वो किसी तरीके से। मतलब मैं क्या है ना, लास्ट वीडियो में क्योंकि ये 3:30 का टाइम होता है और मैं गलत राह भटक गया था, मैं जल्दी 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 ऐसे लाया तो भाई ऐसे टर्नों पे सू पिल्ली पिल्ली करवाता हुआ मैं अपनी गाड़ी को लेके आया। भाई इस परफॉर्मेंस फोर्ड एंड मतलब दुख होता है कि क्यों चली गई यार। इधर के भी एकदम सेफ हैं भाई, थैंक गॉड। अब मुझे यही डर है यार, अगर यहाँ पे अगर टायर पंचर हो जाए या कुछ हो जाए तो यहाँ बदलेगा कौन, मैं अकेला आदमी पूरे रेगिस्तान में भाई, यहाँ पे ना मेरे बदला जाएगा और यहाँ पंचर वाला टायर भरने वाला तो भूल ही जाओ। और ऐसा आलसी ढोर हूँ, ऐसे चल पड़ा घर से जैसे पता नहीं कहाँ अपने ससुराल जा रहा हूँ कि वहाँ हर सेवा मिलेगी मेरे को। ना कोई टायर इन्फ्लेटर, मेरे पे इतने इन्फ्लेटर पड़े हैं भाई, ये प्रमोशन के आते रहते हैं ना भाई, सब चीज़ें होने के बावजूद भी लेके नहीं आता ये। अब मैं सेफली मेरा आगे का मैं आपको प्लान बताता हूँ। अब मैंने रिजॉर्ट बुक कर रखा है रात के टाइम, अब मैं दो होटल में तो जैसलमेर में खूब रुक लिया। अब जो यहाँ पे सैम ड्यून्स हैं मोस्ट फेमस, जो जहाँ पे गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं, ऊँट वगैरह होते हैं, कैमल्स वगैरह, और जहाँ पे हम बाकी अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं ऑफ रोडिंग वगैरह, वो सब करूँगा। लेकिन बारिश का मेरे को यहाँ पे समझ ही नहीं आ रहा, रेगिस्तान में बारिश यार होती तो होगी तभी ये इतने प्लांट वगैरह आप देख रहे हो रखे हैं। तो अब वापसी प्लान है भाई जैसलमेर दोबारा जाने का। यहाँ पे तनोट मंदिर या इंडो पाक बॉर्डर पे कुछ ज़्यादा होटल वोटल है नहीं, तो अब होटलों में खूब रुक लिया। अब सैंड ड्यून्स में जाऊँगा, वहाँ पे मेरी बुकिंग ऑलरेडी हो रखी है, 1800 रुपये पर पर्सन कहते हैं वो, लेकिन बार्गेनिंग वगैरह हो सकती है क्योंकि यहाँ पे बल्क में बहुत सारे यहाँ पे डेजर्ट्स हैं। और यहाँ से जैसलमेर मेरे को वापसी जाना पड़ेगा जो कि 150 किलोमीटर के लगभग पड़ेगा, और इतना ही जो मेरा रिजॉर्ट है क्योंकि वो उसके आसपास है, इनका ऑफ रूट पड़ जाता है। ये वाला एरिया जो है हमारा ये थोड़ा ऑफ रूट है, और वो जहाँ पे सैम ड्यून्स हैं ये वो कैंप वैम्प बने पड़े हैं वो थोड़ा सा ऑफ रूट है। तो चलो फिर 2 घंटे का रास्ता कवर करते हैं, अपनी फोर्ड रैप्टर का डी में गियर डालता हूँ और इसको शू करके लेके जाता हूँ। लेकिन इस बार स्लो चलाऊंगा, मुझे पता है टायर्स गर्म हो रखे हैं, रोड्स भी गर्म है, और कोई रिस्क नहीं लूंगा भाई। जाते ही मेरे को ये काम करना है। इस बार मैं सबसे सॉरी मांगता हूँ, कभी कह रहे हो टायर्स खुद की गलती डलवा के नहीं लेके आया, सॉरी आई एम रियली सॉरी भाई। घिसे हुए टायर्स का वही है लेसन लर्नड। तो आपको अब मैं सीख रहा हूँ तो आपको बता देना चाहता हूँ, रिस्क फ्री जीवन चाहते हो टेंशन फ्री, टायर्स नहीं रखो अपनी गाड़ी में, इंजन ऑयल बदलवाओ, एक हल्ला का नहीं है मत बदलवाओ। लेकिन मुझे ही पता है भाई कितना रिस्क होता है, दे बात नहीं करते, फटाफट उसका वेट हो रहा है जो वहाँ पे भाई गाड़ी घूमती है वो जीप वीप सी। भाई चलो यार अब आओ, मतलब वैसे ही थी ये वाली लाइट ना, इसकी टायर प्रेशर की वैसी, कोई हवा ज्यादा हुई होगी या कम हुई होगी पता नहीं, जाके चेक करवा लूंगा अब मेन शहर में 150 किलोमीटर दूर जाके। तो भाई बारिश तगड़ी होने लग गई है, मेरे को तो अपने रिजॉर्ट का इंतजार है कैसा मजा बैठेगा। ओ भाई बहुत दूर है, लेकिन वो भी यार क्या करूं, 6 बजे तक पहुंचूंगा जहां तक मुझे लग रहा है। और लिटरली भाई सुबह का भूखा हूं, कुछ ना चल रखा कुछ भी। तो पहले तो बैठ कर मस्त सी बहुत कड़क सी पेट पूजा करूंगा, उसके बाद शरीर में चैन पड़ेगा, मेरे तन मन धन हर चीज संतुष्ट हो जाएगी एकदम। भूख तो वैसे गाड़ी की बढ़ गई यार, ये भाई माइलेज कुछ ना देती। मैंने जितना इसमें तेल डलवाया है ना, मैं सही बता रहा हूँ किया साइल्टोस में मैं 3 बार जैसलमेर आ जाता जो इसने एक बारी में मैं डुलाया हूँ। 7800 रुपए में कुछ चलती नहीं यार, ये हद्दी है यार। तो इसको जब लो तो पीपा है पीपा सोच के लेना, तेल ऐसे पिएगी जैसे रेगिस्तान में ऊँट 7-7-8-8 दिन का पानी एक बार में पी जाता है। ढोंची 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 हद है इंडेवर, हद है यार। यार
चलते चलते इतनी देर हो गई और मेरा हलक सूख गया है। मैंने भी सुबह से कुछ ना खाया, इसने भी कुछ नहीं खाया, लेकिन ये मेरे को दिक्कत कर देगी। मैं तो जब भी थोड़ा सा सेध लूंगा। और भाई हम गाड़ियों में से स्पेस टेस्ट करते रहते हैं कि 7 सीटर इसमें स्पेस नहीं है, पीछे नहीं है। इनमें देखो राजस्थान में असली यूज तो स्पेस का यहाँ पे होता है, ऐसे ठूस ठूस के भर रखे हैं भाई। भाई यार बढ़िया है यार सिस्टम, यहाँ के लोग जानते हैं कैसे जुगाड़ पानी से चलना है। भाई फाइनली मिल तो गया मैप पे एक जगह लगा के, तो डीजल यहाँ पे फुल करो, फुल तो क्या ही करवाऊँ यार, यहाँ पे महंगा है 96.85। इसमें मैं 3000 का डलवा रहा हूँ यार इस गाड़ी में ना, बैकअप के लिए भी। जैसे हम और गाड़ियों में क्या है 1000-1500 का डाल दो भाई, इधर उधर पास में जाना हो बाद में डलवा लेंगे। ये 3000 से तो मतलब इसकी 1500 रुपए में तो रिजर्व की बत्ती हटती है, इतना बुरा हाल है और माइलेज ना देती कुछ भी। देखो भाई 3000 में आधी टंकी भी नहीं हुई है इसकी। पता नहीं है मैप अब कौन सी रास्ता पे ले आया भाई, यहाँ कहीं लग रही है आपको ऐसी फील आ रही है रेगिस्तान की सी, ऐसी तो ग्रीनरी है इतनी अच्छी। मेरे रास्ते में देखो कैसे क्या आने लग जाते हैं, देखो कौन। बस 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 थैंक यू भाई, थैंक यू थैंक यू। ये स्कैमर्स ना हर जगह अवेलेबल है जैसलमेर में। अब देखो आप जितना भी एरिया देखोगे सारे वो है, ये डेजर्ट कैंप वाले आ गए। डेजर्ट यहाँ है नहीं, जो मेरा वाला बुक है ना एक फ्रेंड के थ्रू, वो देखो बस 3.4 किलोमीटर दूर है। देखा ये बाइक्स को कैसे फॉलो करते हैं, एकदम स्पीड में भगाएंगे। और यहाँ पे दो जने तो पुलिस वाले भैरूपिये बने रखे थे, रस्सा सा लगा के रोको रोको रोको। मैं उनके कपड़ों से समझ गया थे तो खाकी पर मैं समझ गया रोको क्या, वहीं पे कैंप था तो वहीं की वहीं रुकवा ले। भाई यहाँ पे इन कैंप्स वैम्प्स पे बहुत संभल के अपनी पर्सनल गाड़ी से आ रहे हो तो, पर यहाँ कैंप तो है पर डेजर्ट्स कहाँ है यार। उस बाइक वाले ने देख लिया, रहे तो वीडियो बना रहा है इसलिए पीछे रह गया, वरना मैंने और वीडियोस में भी देखा है ऐसे फॉलो करते हैं भाई, तो कहीं भी जाया करो। ये जब व्लॉग्स वगैरह देख लिया करो, अब जैसे दो प्रीपेयर्ड खड़े हैं, ये देखो दो बाइकर्स ऑलरेडी प्रीपेयर्ड खड़े हैं, ये देखो भाई देख बिल्कुल ही आगे लगा दी भाई, क्यों रुक जाऊं, देख स्टाइल देखो इनका चलाने का। अब यहाँ आदमी डरे ना डरे, देखना हद्दी निकालस यार, यार ये एरिया कितना डरावना सा है, बिल्कुल आगे चला रहा है। जीजे नंबर गाड़ी है, इस पे जूम करो कैमरामैन, 38-20 वो डर लग रहा हूँ। इनकी गैंग है भाई, इनके एरिया में हम डोल रहे हैं। सर जी बुक है, बुक है जी, बुक है, थैंक यू है कोई सा, देख कौन सा होटल क्यों बता दूं भाई मैं, और ऐसा आगे चलने का कौन सा मतलब रहता है यार दिए। और मुझे बाहर के तो बंदे दिख भी नहीं रहे यहाँ। हाँ यहाँ आ गया डेजर्ट, चलो यार यहाँ तो आ गया डेजर्ट, जहाँ पे मैं जा रहा हूँ अपने वाले में वहाँ ठीक है। यहाँ तो डोल भी रहे हैं, ये क्या बोलते हैं, वहाँ तो डोल भी रहे हैं टूरिस्ट है। देखो कैसे भागते हैं यार ये इन कपड़ों से। कहाँ है ये डेजर्ट कैंप, मैं उसको कॉल करूँ, बंद करियो। भैया हमारा बुक है जी, जीप भले खुद चला देना 500 रुपया देना। मेरे पास जीप से बड़ी गाड़ी है, मैं क्या करूंगा बताओ, जीप का डेजर्ट में ये तो गाड़ी जाएगी नहीं, तो किसी के साथ घूमेंगे पैसा देंगे कोई बात नहीं। रेगिस्तान घुमा भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपसे हाथ जोड़ी की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हमारे बुक है। नाइट बाइट रुकने का नहीं, नहीं रुकने का, मैं वैसे ही आया हूँ, मैं क्रॉस कर रहा हूँ, समझा करो प्लीज। है हाँ की परेशान कर रहे, ऐसा लग रहा पीछे पड़ रहे हैं। जैसलमेर आओ ना यार, तो थोड़ा संभल के आओ यार, मूड ऑफ हो जाएगा मेरी तरह। देखो रोड के बीच हम बीच आ गए, अरे भैया रोड के बीच हम बीच आ रहे हैं खामखा। ओ भाई ये क्या है भाई साहब, दो इनका क्रैश, इतना भयंकर, इतनी भीड़। ओ भाई ये क्या करते हैं ना, इन जीप सुई को दे देंगे 500 रुपए में, खुद चलाओ 500 रुपए में खुद चलाओ। फिर होता क्या है, बोलते हैं 500 में पर घंटे के हिसाब से, आप 4-5 घंटे बाद आ रहे हो तो 5 घंटे का हिसाब से आप 2500 रुपए दे दो। तो इनकी ये जीप वीप भी खुद मत चलाया करो भाई, मैं कह रहा हूँ मेरे पे खुद की है इतनी बड़ी गाड़ी, मैं उसको डुलाऊंगा ना, ये तो आपकी डेजर्ट में जा नहीं सकती। अच्छा बहुत समझदार हो तुम। अब ये पता नहीं
अब ये उसका होटल पता नहीं कौन से मैप से दिखा रहा है, यहाँ कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा। चलो है तो गया एक रास्ता सा, यहाँ से चलता हूँ। अब देखो ये रेडी हो रहा है, कस्टमर आया कस्टमर गया। यार कैसे कैसे रोड्स हैं यार, डरावने से। ये तो ऊंट डोल रहे हैं भाई मुंह। यहाँ मतलब मैं खड़ा होकर पूछ भी नहीं सकता अपने वाले से कि कहाँ पे मेरा वो बुक है कहाँ पे नहीं। देखो जैसे ही बुक तो देखो, नमस्ते सर जी, बस धन्यवाद भाई मेरा हो रखा है। तो आप खड़ा भी नहीं हो सकते हो, इतना बुरा हाल है। ये देखो भाई ऐसा कुछ यहाँ पे रिजॉर्ट है, ये यहाँ पे वो कल्चरल प्रोग्राम वगैरह जो होते हैं ना, वो डांस वगैरह सबका वो वाला पूरा सिस्टम है। यहाँ पे अपना आप स्टे वगैरह ले सकते हो, पूरे कैंप्स वगैरह। फिर मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होते हैं। ये मेरे ख्याल से अभी तो वो हटा दिए हैं, ये तब लगते हैं भाई जब ये तब लगते होंगे भाई जब ऑन सीजन रहता होगा ना एकदम पूरा। ये देखो भाई ऐसे कुछ यहाँ पे अपने कैंप्स होते हैं, डेजर्ट कैंप्स। ऐसे में हम आराम से रुक सकते हैं, वॉशरूम वगैरह भी सब अच्छा ही होता है, बढ़िया है। यहाँ से नज़ारा होता है अपना, ये मिट्टी का सा ऐसा पूरा कंप्लीट। शिट भाई, मैंने लास्ट वीडियो में मैं तनोट माता गया था ना, वहाँ पे मैंने वो सबमिट करवाया था अपना DL, और उसके बाद मैं वहाँ पे चला गया था BSF बॉर्डर पे, वहाँ जमा करवाना, और मैं भूल गया भाई, दिमाग से स्लिप हो गया एकदम से, और DL दोबारा बनता भी नहीं यार भाई। शिट यार। और भाई उसको तो लेके आना पड़ेगा, कल तक तो वो गायब बोलेगा पता नहीं कहाँ। और हमारे हरियाणा में बहुत लेजी सी सरकार है, और वहाँ पे उस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, मेरे को लाना ही पड़ेगा उसको जल्दी फटाफट। चलो आधे पौने घंटे का रास्ता है, उसको फटाफट ले आता हूँ यहाँ, तो मैं आ जाऊँगा वापसी। ये तो पता ही चल गया मेरे को रास्ता। तो काफ़ी अच्छा रिजोर्ट है भाई, रुक सकते हैं फटाफट से एक बार। वो बस DL ले आऊँ अपना, ये रिसेप्शन एरिया वगैरह हो गया अपना पूरा। यार क्या हो गया अरे नहीं भाई, ये रिजोर्ट है अपना ये। अब यहाँ से मैं ज़रा वो लेके आता हूँ फटाफट से ना, क्योंकि भाई ये जो मैंने किया ना अभी, इस सब मैंने अभी फेल बिखेरा भाई। ओ यार क्या बताऊँ यार, इतनी अनसेफ फीलिंग कसम से। ओ यार कैसे कैसे बच गया भाई, मैं नहीं यार, मैं उल्टा जा रहा हूँ भगवान कसम। शाम के टाइम यार कोई गेस्ट नहीं मेरे अलावा, और ऐसा अजीब सा बिहेवियर, ऐसा अलग सा। भाई आप खुद रोड देखो यार, कैसे ही रोड है ये। मतलब मैं किसी कैंप का भाई नाम नहीं ले रहा, पर जो लोकेशन है ठीक है, और जो चीज़ें हैं ना भाई, उससे अच्छा तो वो थे जो मेन रोड पे थे यार। कुछ नहीं पता यार, अकेला आदमी ग्रुप होता है पूरा, रात को क्या कर दें क्या ना कर दें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है भाई। वो तो मैंने पूरी एक्टिंग करी अभी ये उनके आगे कि मुझे ऐसे ऐसे DA वो लाना पड़ेगा, तब भी पता वो क्या बोला, कोई बात नहीं हम जुगाड़ कर देंगे। और यहाँ से तनोट माता मंदिर है 120 किलोमीटर होगा वो बोलता है, और भाई अब छोड़ो रहने दो 160 किलोमीटर में अपने आप कुछ अरेंज कर दूंगा, यहाँ से तो बहुत दूर है, अब कहाँ वापसी जाओगे। मैंने कहा ना ना भाई, मैं तो अपने को वापसी लेके आऊँगा। अब भाई देखो मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी इंटेंशंस कुछ गलत थी या कुछ भी एनीथिंग, पर मुझे सेफ नहीं लगा पर्सनली यहाँ के कैंप्स वैम्प्स में, तो मैं नहीं रुका यार। मुझे इन सब चीज़ों में, अब हमारे साथ ऋषिकेश वगैरह में ऐसे इंसिडेंट्स हो रखे हैं, जो ये आइसोलेटेड सी जगह होती है ना, खुद ही से फीलिंग सी नहीं आती यार, पता नहीं अजीब सा ही सिस्टम है यार। हो सकता है भाई ये सेफ रहते हो, बट मेरा पर्सनल ओपिनियन, नहीं मन किया तो नहीं किया भाई। जैसलमेर बहुत सेफ सिटी है, वहां पे जाके रह लूंगा मैं, थोड़ा सेफ्टी को थोड़ा ऊपर मानता हूँ भाई इन चीजों से ना, वो वाइब्स, वो एनवायरमेंट, वो तरीका बात करने का, आई डोंट लाइक इट ऑल। कोई सिंगल फैमिली भी होता ना या कोई और ग्रुप होता है तो मैं ट्रस्ट कर भी लेता, सुनसान। मैंने आपको दिखाया कोई नहीं, सब वो बंद थे वो कैंप से, मैं तो ना रुक रहा भाई सॉरी। और बार बार वो बंदा बस एक ही चीज पे फोर्स करे, मैं जो देख रहा था लगेज ले आओ,
लगेज ले आओ, लगेज 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 लगेज। मैं कहा रुक तो जा, रूम तो देखूंगा, सब चीज करूंगा, लगेज 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 ले आओ। जब मैं निकलने वाला भी था, कोई बात ना, मैं अपने आप उसका आपके ड्राइविंग लाइसेंस का अरेंजमेंट करवा दूंगा, है मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस, अभी दिखाता हूँ, अगर भाइयों को विश्वास ना हो रहा मैंने क्यों फेंकू चंद सा ही काम करा, वरना अगर ऐसे तो नहीं जाने देते भाई मुझे, ये जितनी बुरी तरह करते हैं ये नहीं जाने देते। एक बार इनके आप पास आ गए ना, मैं तो अपना चुप पे पहले रूम देखा, क्यों मेरे को घुसते ही वहाँ फीलिंग अजीब आने लग गई थी, मैंने तभी मुंह मिला लिया आई एम नॉट स्टेइंग हियर। तो भाई जैसलमेर आ रहे हो तो कैंप्स में ऐसे में रुको जहाँ भीड़ हो, टूरिस्ट हो। और दूसरी चीज भाई, प्री बुकिंग्स पे बिल्कुल मत जाओ, पहले खुद आओ, यहाँ की वाइब्स देखो, इन्वायरमेंट समझ आता है तो ही करो, क्योंकि ऐसी चीजों में भाई आपको कैंप में अंदर बुला लिया, ऊपर से स्टाफ आ गए 20-25-30 जने जैसे लोकल हो गए यहाँ के, जैसे ये गैंग सी होती है ये पूरी आ गई यार, मेरे आगे खड़े हो गए मान लो बाय चांस ये आके, ये जैसे अभी रेडी खड़े हैं, जैसे कोई उधर से अगर कोई गाड़ी आएगी तो उसको वो करने के लिए, तो आप क्या कर लोगे? एक बात बताओ, आपके धैर्य एप्टे मार के सारा माल पानी निकलवा लेंगे, फिर आ जाना जैसलमेर घूमने, फिर कोई एक्सपीरियंस सब कुछ धरा रह जाएगा। इसीलिए कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। पर देखो भाई मेरा ड्राइविंग लाइसेंस ये रहा, किसी को यकीन ना, अभी रुको पीछे से और दिखा देता हूँ, कभी कहो कि नकली दिखा रहा है। ये देख लो स्मार्ट बॉय, आपने अगर नहीं देखा हो तो, ये रहा अरुण पवार 21/9/2000, रामवीर सिंह पापा जी का नाम, तो मेरा ही है भाई ये, तो मैं अब आप इससे आइडिया लगा सकते हो उनके सामने मेरे को एक्टिंग करने की क्या जरूरत पड़ी होगी भाई, कुछ तो रीजन रहा ही होगा। पता भाई मैं मेरा गुस्सा कहाँ पे छूटा, वो बोलता है पूरी बस भर के खड़ी हुई है यहाँ पे, पूरी बस के टूरिस्ट हैं, पूरी बस है, कोई एक सिंगल प्राणी ना यार। और भाई सच बताऊं, यहाँ पे डेजर्ट वेजर्ट देखना, कहीं का आपको कोई डेजर्ट दिख रहा है? है डेजर्ट यहाँ? कुछ था ही नहीं जहाँ पे मैं गया भी था, जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था जैसे दुबई वुबई में वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो उधर साइड था जब वो बाइकर्स मेरे पीछे लग रखे थे उस रोड पे, उस पे तो चलो थोड़े बहुत टूरिस्ट भी थे भाई, ऊँटों पे डोल रही थी दुनिया, ऊँटों पे बैठ बैठ के, लेकिन वो हो सकते हैं वो सेफ हों, उनमें आपको सेफ्टी वाली फील आए, पर वो मेरे वाला जो था ना वो बहुत भीतर जाके था, गूगल मैप से पे कुछ और रास्ता दिखा रहा था और वो फिर बहुत फॉलो करते हुए अंदर था, यहाँ पे बात बिगड़ गई बस। और इवन मैं उसके मालिक से कंफर्म भी कर रहा था कि गूगल मैप पे तो कुछ और लोकेशन दिखा रहा है, कुछ और, जब कह रहा नहीं एक ये सेम है। मैं कहा अरे यार पहली बार गूगल मैप चला रहे हैं क्या हम, हमको कुछ आइडिया नहीं है, वो उधर दिखा रहा 3-4 किलोमीटर, और जब हम उसके कैंप पे खड़े वहां से भी 3-4 किलोमीटर दिखा रहा। क्या है ना भाई, एक डायलॉग है ना, वो दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, वो मेरे साथ हो रखा है ना, तो मैं इसलिए बहुत इन चीजों से वो रहता हूँ। मुझे पता है शायद ज्यादा लंबे मैंने भाषण कर दिए होंगे, मैं इस अपने लेके आया था कि भाई डेजर्ट में ऑफ रोडिंग करूंगा, ये फलाना ढमकाना करूंगा, ना डेजर्ट है ना कोई ऑफ रोडिंग। एक और चीज यहाँ के स्कैम्स के बारे में बताऊं, अब देखो फिर से वो भाई का फोन आ रहा है, ये देखो फिर से वही जैसलमेर वाले भाई का फोन आ रहा है, नाम हटा देता हूँ भाई का, क्यों दिखाऊं, उसे बोल देता हूँ भाई मैं तो ड्राइविंग लाइसेंस लेने चला गया। उधर क्या टेंट बुक नहीं रह गया? अरे नहीं मेरा ना वो डीएल रह गया था, जैसे मतलब टेंट बुकिंग किसी और को दे दे इसलिए फोन किया था, मैं रखे आपके लिए। कैसे और भी लोग रुक रखे थे क्या उसमें? हाँ फुल है यार, मुझे तो एक भी बंदा नहीं दिख रहा था भाई। चलो कोई नहीं भाई, मैं एक बार डीएल ले आऊं यार, बहुत जरूरी है वो तो। टेंट कितने बजे का आप बता दोगे? क्या प्राइस है भाई टेंट का? प्राइस कितना होगा? 1200-1300 है पर पर्सन। 1100 रुपए पर पर्सन था जो मुझे दिखाया था, बट मुझे नहीं रुकना तो नहीं रुकना, इट्स माय चॉइस, सिंपल बात खत्म, होटल लेके मस्त रुकूंगा यार। 1100 रुपए पर पर्सन मतलब 1100 रुपए लगते, मैं कहीं ऐसे 1200-1300 का बढ़िया सा रूम तो अपना मजा तो लूंगा। कोई नहीं भाई, बी पॉजिटिव थिंकिंग, मुझे कोई शौक नहीं है कैंप वैम्प में रुकने का, मौज लो रोज लो, ना मिले तो खोज लो। इंडरी में काय दिन अपना कैंप गाड़ के अपने गम में दो ऐसे पल्लर ऊपर टाक के उसमें रुक जाएंगे, एक ही बात है। सोचा नहीं था दोबारा से सुवर्ण नगरी पे अपना हार्दिक स्वागत करवाऊंगा, सब यहीं से गया था यहीं पे आ गया हूँ। चलो मैं भी कुछ खा पी लूँ, सुबह से कुछ नहीं गया पेट में। ये भी तो फील है ना भाइयों, फिर से वही होटल पे आ गया हूँ जिसपे पहले 2 दिन से रह रहा हूँ, आज तीसरा दिन है, ये वाला अपना रूम जो था। बाकी आज का रूम देखो भाई, भाई ने मेरे से संतुष्ट होके मेरे को दे दिया आज, और तगड़ा रूम, कंफर्ट कारवा सूट उसका, बोला आप उसको छोड़ो, आपको जो वो रेट में मैंने वो दिया था आज आपको मैं और प्रीमियम देता हूँ। तो ये देखो भाई, वही है ना जो होता अच्छे के लिए होता है, वहाँ मैं छोड़ के आ गया भाई, बढ़िया है वो कल्चरल प्रोग्राम वगैरह, यहाँ का रूम देखना क्या शानदार है भाई, व्यू देखो इसका, वॉशरूम, इन्होंने वो ब्लॉग वगैरह देखा कि भैया आप वो कह रहे थे कि उसमें कैटेन नहीं था, पीचम लगाना भूल गए थे, ये क्या है इसके अंदर, ओ भाई क्या ही करना है, तो मैं जाके सो जाऊंगा, रोटी वोटी सब खाया हूँ, सोना ही है मुझे। और ये है प्रीमियम,
कुछ भी कहो, लगता का जाओ यार। इंटरनल देख ना, खाट वाट गिर रखी है, घर वाले देखेंगे किंगे तो घर तो सोना ना जावे, खाट पे होटल में जाके तो खाटन पे सो रहो। वाह। अब भाई देखो ये भी तो रूम है, 10 बज गए रात के, खा पी के बस सेट, कोई टेंशन नहीं कुछ नहीं। आप खुद ही देख रहे होंगे रूम में भाई कितनी शांति, इतना वीआईपी रूम, इतनी वीआईपी कल्चर के साथ। पता मेरे यहाँ के लोकल से पूछा था, ये भी सेम बात बोल रहे थे कि वो एरिया ना उस टाइप में वहां पे बड़ी दिक्कतें हैं भाई, रात के टाइम तो वहाँ सेफ है ही नहीं, लोकल्स का भी यही कहना था। तो फिर मुझे लगा यार मेरा सही डिसीजन था, जो होता अच्छे लिए होता, वो कहते हैं ना। नहीं था, मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ, आप जब वहाँ जाओगे तो खुद फील कर लोगे भाई, डर डर के मुझ पे तो वहाँ पे रहा नहीं जाता, नींद भी नहीं आती तो क्या फायदा होता। अब मैं ये नहीं कह रहा भाई सारे ही खराब होंगे वहाँ पे, होंगे भाई अच्छे वाले भी होंगे, लेकिन जिसमें मैं पर्टिकुलर में गया उसमें भाई अच्छी नहीं थी। और वो रहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, आदमी अपनी मर्जी का मालिक है भाई, अपना सब अपने हिसाब से ट्रिप बना के आते, तो करो भाई जैसा जो आप सबको करना है करो, मैं बस अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। मजा आ गया, कहाँ टेंटों में सो रहा था यार, मैं पक्की छत के नीचे सोना रहा यार एसी चला के। वीडियो देखने के लिए आप सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। खम्मा गड़ी।